झांसी का किला भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में बघेरा नामक पहाड़ी की छोटी सी चोटी पर स्थित है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है और इस स्मारक की संरचना की चौड़ाई लगभग 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। आजादी से पहले इस किले का एक हिस्सा 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई में नष्ट हो गया था। चंदेल वंश के अवशेष इस किले में एक संग्रहालय में भी देखे जा सकते हैं, जो भगवान गणेश को समर्पित हैं। आप यहां शहीदों को समर्पित एक युद्ध स्मारक भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी यहां बना हुआ है। इस किले से झांसी का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। इस किले के बाहर के दरवाजे लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सूबेदार रघुनाथ राव द्वितीय ने 1796 में बनवाया था। अंग्रेजों द्वारा किले का अधिग्रहण करने के बाद रानी इसी महल में रहा करती थी। आपातकाल की स्थिति में रानी ने इसे अपना आवास स्थान बनाया था, जहां पर बड़े बड़े कमरे हैं। कहा जाता है कि यहां पर एक फव्वारा भी लगा हुआ है और यहां एक छोटा सा पार्क भी है। इसके साथ साथ यहां पर चूने के पक्षी, पशु और जानवरों की आकृति भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यह प्राचीन किला मध्यकालीन किला, जिसका इतिहास 1613 से लोगों की यादों में है। झांसी का किला प्रवेश द्वार यानी भगवान शिव मंदिर और गणेश मंदिर में लोगों की आस्था को दर्शाता है। कहा जाता है कि झांसी किले में मूल रूप से 5 मंजिलें थी, जिसमें से आज केवल 3 मंजिल मौजूद है। झांसी किला परिसर के नीचे एक अंधेरा कमरा यानी कि काल कोठरी भी है, जिसे अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए मुसीबत माना जाने वाले लोगों को कैद करने के लिए बनवाया था। विशाल झांसी के किले में 10 द्वार हैं और उनमें से कुछ खंडेर गेट, उन्नाव गेट, झरना गेट, दतिया दरवाजा, रोचा गेट, सागर गेट, सैनियार गेट, चांद गेट और लक्ष्मी गेट है। झांसी का किला हमें बहादुर रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाता है, जो एक योद्धा रानी थी जिसने ब्रिटिश आक्रमणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, क्या कभी आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को किताबों में पढ़ा है? यदि आपने पढ़ा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।